नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से। किन्नौरी संध्या एपिसोड में हम 50वें एपिसोड तक पहुंच चुके हैं, यह आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों के प्यार से। लेकिन बहुत ही दुखद समाचार भी हमारे किन्नौर से मिल रहे कि किन्नौर में जो कोरोना का कहर बहुत ज़्यादा जो है दिन प्रतिदिन जो है हमारे पर बरस रहा है। बहुत सारे जो हमारे अजीज जो है हमारे से बिछुड़ते जा रहे, तो मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, कृपया वो घर में ही रहे और बगैर काम का घर से बाहर ना जाए। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने वाले है आदरणीय केदार नेगी जी, लेकिन थोड़ी सी व्यस्त है अभी, उनका कोई पता नहीं कि कब जैसे वो जुड़ पाएंगे। लेकिन बाकी अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आदरणीय श्री सावन नेगी जी, श्री दिनेश विष्ट जी और श्री चंद्रलाल नेगी जी और योगी बैरान जी। 50वें एपिसोड में हम इतने हर्षोल्लास से तो मना नहीं पा रहे। कारण ये कि कोविड का कहर हमारे अपने ऊपर जो है बरस रहा है दिन प्रतिदिन। आज ही बहुत बुरा समाचार हमको सुनने में भी आया कि हमारे किन्नौर के दो तीन जो है लोगों की जो है कोविड के कारण जो मृत्यु हो चुकी है। बहुत ही संवेदना और बहुत दुखद हो रहा है। लेकिन हम इस मैसेज के द्वारा, इस एपिसोड के द्वारा एक आग्रह भी करेंगे कि कृपया अपने आप को जो है घर में रखें और एक बगैर काम का बाहर ना जाए। तो चलिए छोटी सी झलक जो आज के कलाकार हमारे साथ जुड़ने वाले, उनके लिए उनका जो मैं कुछ क्लिप आपके सामने रखूंगा। ये छोटी सी झलक थी हमारे केदार नेगी जी की। अब हम एक झलक और दिखाएंगे हमारे आदरणीय सावन जी की। याली जिंदगी तू याली जिंदगी याली निश जर तू छली जिंदगी निश जर तू छली है जिंदगी याली दिश जर तो चली जिंद लगी याली जिंदगी तू मोलीदा माँ बलिदा जिंदगी तू मोलीदा है माँ बलिदा। ये थे हमारे हिमालयन डेजलर श्री सावन नेगी की झलक जो हमारे साथ बैठे हैं। तो आगे हम और भी जो हमारे अतिथि उनकी झलक दिखाएंगे। चाली सुयाली रो रो
ये हमारे किन्नौर के चंद्रलाल नेगी जी, जो आप लोग बखूबी से जानते हैं, हमारे साथ बैठे हैं। तो आगे हम और ले चलते हैं आपको। ये हमारे वॉइस ऑफ किन्नौर 2011 के दूसरे विजेता हमारे योगी बैरान जी, बहुत ही पारंपरिक जो गायक है हमारे किन्नौर के। तो आगे मिलते हम निकाला, और आपने एक बहुत बेहतरीन अंदाज से सर, एक कलाकार का जो अंदाज है, आपने जो है सर, जो आपका गमहीन गाने हैं उसको आपने वैसा गाया, जो खुशी का माहौल वाले गाना उसको ऐसा गाया, जो बिंदास जीने वाले गाने उसको आपने उस प्रकार से गाया, हर हर अंदाज आपने यहाँ पर लोगों को दिखाया, आपका एक्टिंग और जो आपका गाने का दोनों आपका तालमेल मिला। बहुत बहुत आभार एमसीएन पेज की ओर से। हम भी आपको बीच में हम आपको बुलाते रहेंगे, जाते जाते सर आप वो गाना जरूर सुनाए जो आपने एमसीन के लिए बनाया था, अभी काफी लोग बाद में जुड़े। सुन तो ताली माई के याली तोरो लाइब दोलो शे, सुन तो ताली माई के याली तोरो लाइब दोशे, सुनते नीग बस क्या गाली तोरो लाइब दोलोशे, सुनते नीग बस क्या गाली तोरो लाइब दोशे, तोरो लाइब दोलोशे याली एमसीएन फेसबुक पेले जो, तोरो लाइब दोलोशे याली एमसीएन फेसबुक पे जो, MCN Facebook पे ले जो याली कैमरो उमसी तोलुशीस। ये था हमारा जो झलकियां, जो आज के हमारे स्टार कलाकार यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारे साथ जुड़ने वाले थे हमारे किन्नौर के रफी केदार जी, किसी के बहुत शेड्यूल बिजी होने के कारण वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बीच में टाइम मिलता तो जुड़ पाएंगे। तो 50वां एपिसोड में आप सभी के आशीर्वाद के लिए और आप सभी का प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हमारे अतिथि मंच पर पहुंचे, उनका हम यहाँ बुलाते हैं। नमस्कार सावन जी, आपका एमसीएन पेज में स्वागत है महोदय। नमस्कार रामबाबू जी, धन्यवाद आपके आमंत्रण के लिए, बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे इस 50वें एपिसोड में फिर से इस चैनल में आने का सौभाग्य दिलाया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर। जी महोदय जी, कोविड का एक बहुत भयंकर हमारे किन्नौर में परिस्थितियां चल रहा है, लेकिन हम अपने इस पेज के द्वारा लोगों को घर में जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि लोग बाहर ना घूमें और शाम के टाइम अपने कमरे में रहे, क्योंकि जो सरकार का प्रोटोकॉल है
दिशा निर्देश दिया है कि बगैर काम का घर से बाहर ना जाए, तो एमसीएन पेज का यही काम है। तो चलिए, आप लोगों ने भी इसी कारण जो है कोविड को देखते हुए दर्शकों को जोड़ने के लिए आज समय निकाला। बहुत बहुत आभार महोदय जी। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद रामक जी। मैं अन्य अतिथि को मंच में बुलाता हूँ। दिनेश सर जी नमस्कार, आपका एमसीएन पेज में स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार जी, धन्यवाद सर, आपने आपने पुनः समय जी निकाला, आपने पुनः समय निकाला इस कोविड के महामारी में के दौरान हमारे दर्शकों को जोड़ने के लिए, संगीत का एक माहौल बनाने के लिए, ताकि लोग टाइम से घर में आए, जी इस पेज के द्वारा। बहुत बहुत आभार महोदय जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने पुनः एक बार एमसीएन फेसबुक पेज में जो 50वां जो लाइव एपिसोड है इसका, इसमें आपने आमंत्रित किया, तो शुक्रिया सर, जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी सर। पेरेंट्स होताओं को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। चंद्रलाल जी, आपका एमसेन पेज में स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी। आप किन्नौर को, संस्कृति को आगे लेकर जा रहे, सरस्वती माता की आपके ऊपर बहुत विशेष कृपा है, तो आपके ऊपर यूं ही बनी रहे। तो चलिए, आप सब जुड़े हैं, तो हमारे अन्य अतिथि और जुड़ने वाले थे, अगर जुड़ते तो हम उनको मंच में लेकर आते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पर मंच में आमंत्रित करूंगा हमारे आज के जो विशेष अतिथि, हमारे केदार जी तो पहुंचे नहीं, आदरणीय केदार जी का शायद समय लगेगा, योगी बेरान जी शायद पहुंच चुके हैं। योगी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार। योगी जी, आपको नमस्कार एमसीएन पेज की ओर से। आपने समय निकाला हमारे पेज के लिए, दूर दराज क्षेत्र में होकर भी सिग्नल की दिक्कत है, आप जुड़े हो, आपका बहुत बहुत आभार। सिग्नल की दिक्कत है। योगी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, हम इस प्रोग्राम को आगे ले आते हैं, शायद अब तक हम अतिथि महोदय की आवाज आए। तो सावन सर, आपको मंच पर लेकर आते हैं पहले, तो उसके बाद हम अन्य अतिथियों से रूबरू होंगे। सावन सर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। कोविड के दौरान ये किन्नौरी संध्या है, अलग बात है, हम इसको मनोरंजन के तौर पर भी लेंगे, अलग बात है, लेकिन विशेष तौर पर हमारे किन्नौर के जो जितने भी हमारे दर्शक आज जुड़े हैं, किन्नौर वासियों के लिए ऐसे समय पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आप सभी किन्नौर की जनता को ये बताना चाहूँगा कि इस कोविड बीमारी को मजाक में ना लें। हमारी सरकार के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हमें चलना है, काम करना है, क्योंकि बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसने आज पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व के बहुत सारे देशों को पीड़ित करके रखा है। हमें इस बीमारी से बचना है, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बीमारी कोविड है परंतु ये पाप की बीमारी है। हमें, आपको पता है आजकल हम कैसे रह रहे हैं, धर्म का कोई बोलबाला नहीं रहा है, पाप का बोलबाला है। अच्छे मार्ग पर चलें, अच्छा काम करें, भगवान के बताए मार्ग पर चलें। मैं आपको बताऊंगा कि कोविड बीमारी जल्द से जल्द खत्म होगा। तो मेरा आप सभी किन्नौर वासियों से यही गुजारिश है कि इस बीमारी को कोई मजाक ना समझे, सीरियसली लें। जो भी सरकार आपको बताती है उनका अनुसरण करें, मास्क पहने और 2 गज की दूरी अवश्य बनाए रखें। मेरी आपसे यही विनती है, गुजारिश है, किन्नौर की जनता के लिए मेरा यही संदेश है। जी धन्यवाद महोदय जी। चलिए, तो किन्नौरी संध्या का 50वां एपिसोड है महोदय, आपके जो
मुखारबिन द्वारा आप ट्रेडिशनल गाएंगे चाहे जो भी गाएंगे। आज का दिन मैं दर्शकों से यही निवेदन करता हूं, आज डिमांडेड गाने नहीं होंगे क्योंकि किन्नौर के लिए शुभ संकेत भी नहीं है, बहुत अशुभ समाचार हमारे किन्नौर के लिए मिला है। तो मैं यहाँ डिमांडेड गाने की कोशिश, जितने भी दर्शक है कोई भी किसी भी प्रकार का डिमांडेड गाना ना कहें। हमारे यहाँ पर जो अतिथि जुड़े हैं अपने हिसाब से, वो चाहे ट्रेडिशनल गाएंगे या फास्ट गाएंगे या स्लो गाएंगे, अपने हिसाब से यहाँ प्रस्तुति करेंगे और एक मैसेज देकर जाएंगे, तो आप इनके गानों का आनंद लीजिए। तो महोदय जी स्वागत है आपका पुनः। सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपका पुनः आज के इस 50वें एपिसोड में मुझे आपके इस चैनल में जोड़ने के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा। तत्पश्चात मैं जिला किन्नौर के चौरा से सुमरा तक तमाम किन्नौर वासियों को दो हाथ जोड़कर नमन करना चाहूंगा। आपके प्यार मोहब्बत की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। किन्नौर के जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, इज्जत से नवाजा, नाम से नवाजा। मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि संस्कृति हम सब जानते हैं हमारी रीढ़ है। संस्कृति को बचाए रखे बगैर पारंपरिक गीतों को, पारंपरिक वेशभूषाओं को पहने बिना हम कभी भी अपनी पहचान नहीं बना सकते, और ना ही हम संस्कृति को बनाए रखे बिना हमारे देश, प्रदेश, यहाँ तक कि अपने पर्सनल व्यक्तित्व का अस्तित्व भी नहीं बना सकता है। इसलिए हमारा सबसे प्रथम दायित्व है कि हम अपनी संस्कृति को बनाए रखें। मेरा किन्नौर के तमाम कलाकार भाइयों से भी गुजारिश है कि आप पारंपरिक गीतों के साथ तोड़ मरोड़ ना करें। पारंपरिक गीत क्या होते हैं अगर किसी को नहीं पता है तो मैं थोड़ा संक्षेप में भी बताना चाहूंगा। पारंपरिक गीत वो गीत होते हैं जो किसी पर्टिकुलर गांव के किसी विशेष व्यक्ति पर या किसी विशेष घर, जैसे रोगी संस्यान खानदान के घर का गाना है, या फिर कोई विशेष व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्ध होता है जैसे नेगी कोरमसा, या किसी घर वालों के पास बहुत सारे भेड़ बकरी होते हैं जैसे नाथपा युला मुशालम। कोई भी कलाकार जब उन शब्दों को या इतिहास को संजोकर, शब्दों की डोरी में पिरोकर गाना बनाता है, दैट इज कॉल्ड द हिस्टोरिकल सॉन्ग, पारंपरिक गीत उसे कहते हैं। हमारे कलाकारों ने पारंपरिक गीतों के धुनों को चुरा कर बहुत सारे गाने बनाने शुरू किए हैं। एक गाना है रोगी संस्यान खानदान का ही गाना है, पनचाली लो ली रो लोगे आली, देसी चा सोलो क्यों ओली पंग, देसी चा सोलो क्यों ओली पंग। इस रोगी संस्यान खानदान के इस पारंपरिक गीत को हमारे किसी कलाकार बंधु ने मैदान और सांगला के लिए गाया, दुनी सा नी सा बिली मायाली मुईदाली नोली। परंतु किसी ने ये नहीं कहा उस उक्त कलाकार को कि भाई साहब ये रोगे संस्यान खानदान के घर का गाना है, आपने उस पारंपरिक धुन को चुरा कर सांगला के लिए गाना क्यों बनाया। तो ये गीतों के साथ बहुत बड़ा छेड़खानी कर रहे हैं हमारे कलाकार। एक दूसरे कलाकार ने एस्पर आई थिंक मैंने 3-4 महीने पहले सुना था, वो खोना तो तेले का गाना है, अंबिर चंद भैयार के नौजन बंटन का गाना है, किसी सुंगरा के कलाकार ने जाकुरो ग्रोसनम के लिए गाया और हमारे लोग उनको बहुत सारे शेयर्स के जाते हैं। कभी कोई ये नहीं कहता कि आप पारंपरिक गीतों को मत छेड़ो यार, उनकी धुनों को चुरा कर आप नए गाने तैयार मत करो, किसी ने ऐसे नहीं कहा। तो मेरा आप सभी से गुजारिश है, दिली गुजारिश है कि हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारे पूर्वज हमें बहुत सारे मान मूल्य आदर्श दे गए हैं, परंतु हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? नथिंग। अगर हम ऐसे ही चलते जाएंगे तो एक दिन हम बहुत बॉटम पर पहुंचेंगे। हमारा फर्ज है कि हम, जहां तक मैं कलाकारों की बात कर रहा हूं, कि पारंपरिक गीतों को तो कम से कम तोड़ फोड़ ना करें।
हाँ मैं मानता हूँ कि चेंज द लॉ ऑफ नेचर, डांसेबल सॉन्ग्स गाना जरूरी भी है, परंतु जहां तक पारंपरिक गीतों की बात है उनके साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करें, मेरी आपसे विनती है। मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी जो संस्कृति है वो आज प्रसिद्ध क्यों है। हम किन्नौर के वासी आज बहुत आगे क्यों हैं, वो इसलिए भी है क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे बहुत ही डायनामिक थे, उनके अंदर डायनामिज्म था। संस्कृति, पहनावे, रीति रिवाजों की वजह से तो हम प्रसिद्ध हैं ही, परंतु हमारे पूर्वजों में बात करने का तहजीब था, उनकी वाणी में मिठास थी, मधुरता थी। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हमें एक डायनामिक व्यक्ति बनकर जीना है। मैं आज इस मंच के सौजन्य से हमारे किन्नौर के बहुत ऐसे डायनामिक व्यक्ति हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। नेशन की श्री शरद चंदूक नेगी जी, जो रिटायर्ड डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल थे परंतु हमारे बीच में नहीं रहे, तो ऐसे व्यक्ति, और दूसरे हमारे त्रांडे डॉक्टर पीसी नेगी जी, हस्त स्पेशलिस्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टेचर, तो ऐसे महान व्यक्ति हमारे किन्नौर में हैं जिनके व्यक्तित्व से हम बहुत प्रभावित होते हैं। हमें ऐसे बनना है अगर हम किन्नौर की पहचान को बनाए रखना चाहें। तो मैं आपको बस यही बताना चाहूंगा कि हम अपने कल्चर के साथ ना खेलें, संस्कृति के साथ ना खेलें, हम अच्छे से रहें, अच्छे से काम करें, प्यार से बात करें, अदब से बात करें, तभी हमारी किन्नौर की पहचान और बनी रह सकती है। अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि हम बहुत बॉटम पर उतर जाएंगे। जी महोदय, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत सुंदर जो है यहाँ पर विचार के साथ अपनी जो है एक कल्चर को संजोए रखने के लिए आपने जो है एक बात कही कि छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि आप देख रहे होंगे सर जिस प्रकार से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया तो आज हम भुगत रहे हैं कोरोना से। वैसे हाँ ही जी, अगर हम संस्कृति के साथ अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो कल को हमें जो है हमारे जो नई पीढ़ी है आप देख रहे होंगे नई पीढ़ी में संस्कार दिखता नहीं है, संस्कार अब नाम का कोई चीज नहीं है। चलो चलिए, हमारा फिर भी प्यास रहेगा जब तक हमारे अंदर में सांसें दी गई है। अभी तो हमारे जो सांसें हैं सर कोरोना के उधार कहेंगे हम, क्योंकि कोरोना के ही हम उधार में जी रहे समझो। कभी कब आएगा कोई पता नहीं, लेकिन जब तक हमारे को सांसें दी गई है तो तब तक हम अपने संस्कृति को, अपने गीत संगीत को, अपने गांव शहर को, अपने जो किन्नौर को हम जो है एक सुदृढ़ बनाने के लिए आपस में हम सभी जो है प्रयास करेंगे। तो ये सावन जी का एक बहुत मधुर जो शब्दों से जो है एक संस्कृति के लिए कहा। तो चलिए सर, आप अपने मधुर वाणी से एक बेहतरीन जो है पारंपरिक गीत सुनाएं सर। सर जहाँ तक गीत संगीत की बात है, मैं शुभारंभ मैं आपको जिला किन्नौर के अपर वादियों की ओर लिए चलता हूँ। जी मुझे अपर किन्नौर के लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया है, मेरी जिंदगी उनकी अमानत है, मैं उनका चिर नहीं रहूंगा। जी ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मुझे मेरे ब्लॉक वासियों ने, निचार ब्लॉक के लोगों ने प्यार नहीं दिया। हमारे यहाँ पर नियरेस्ट भावावेली में ही ऐसे 5-6 लड़के हैं जिन्होंने मुझे एक लड़की के माफिक चूमा है, बहुत प्यार करते हैं मुझे। मैं अपने जी घर की तारीफ नहीं करना चाहूंगा, मुझे अपर किन्नौर वालों ने इतना प्यार दिया। आज मैं किसी कारणवश उनके बीच नहीं जा पाता हूँ, कॉल करते हैं, मेरे साथ रूठते भी हैं क्योंकि अब मैं जा नहीं पाता हूँ। तो मैं उनसे, इस मंच के सौजन्य से, एमसीएमपीएच के सौजन्य से मैं माफी मांगना चाहूंगा। आप मुझे कॉल करते हैं, मैं आपको हमेशा निराश कराता हूँ, ऐसा मत सोचिए। मेरा प्यार जी हमेशा आप लोगों के साथ है, मैं आप लोगों का हमेशा के लिए हमेशा ऋणी रहूंगा।
अपर किन्नौर के लोगों का। तो गाने का शुरुआत में अपर किन्नौर के एक बहुत ही प्रसिद्ध गांव थोशंपात्र देशंग शुमचो फाइल कुमो गानम ले चलता हूँ। दोलो रिंग रिंगा बी माले, दोलो रिंगा रिंगाली बी मायाली शुमचो फायो लोली कुमोले, शुम छो पायो लो याली कू मो, शुम छो पायो लो ली कू मोले, शुम छो पायो लो याली कू मो याली जांगा सो स्थंगा कानमले, जांगा सो स्थंगाली का नम, जांगा सो स्थंगा का नमले, जांगा सो स्थंगाली का नम याली गोमई संज्ञा सुली जागाले, गोमई संज्ञा सुयाली जा गा, गोमई संज्ञा सुली जा गाले, गोमई संज्ञा सुयाली जा गायाली तुरी मासेली गोल संगले, तुरी मा से अली गोल संग, तुरी मा से ली गोल संगले, तुरी मा से अली गोल संयाली सांगे मा से ली यूनेले, सांग मा से याली यू ने, दोलो रिंग रिंगा बी माले, दोलो रिंगा रिंगाली दी मायाली शुम छो फायो लोली कुमोले, शुम छो पायो लो याली कू मो। बहुत खूब सावन जी, बहुत बेहतरीन। आज 50वां एपिसोड जो है, ऐसा लग रहा है कि मेरा जो सपना था वो हकीकत हो गया। चलिए आप जुड़ते रहेंगे, थोड़ी देर मैं आपको विराम दूंगा, और भी अतिथि है उनसे भी हम राय जानेंगे। तो मिलते हैं सर योगी बैरान जी से। ठीक है सर, ठीक है। योगी सर जी नमस्कार, आपका स्वागत है जी। जी नमस्कार, नमस्कार सर राम भगत जी, नमस्कार सब। आपने समय निकाला हमारे पेज के लिए, आप पू में हो और जो है वहां से आप, जबकि पू में जो है सिग्नल की दिक्कत रहती है, चलिए जैसे न कैसे आप जुड़ रहे हैं, आपके लिए बधाई। इस कोविड के दौरान में आप जो है एक सेवा भी दे रहे हो, लोगों के लिए ड्यूटी भी कर रहे हो। तो चलिए सर आप थोड़ा कुछ कोविड के जो ये माहौल चला है पूरे किन्नौर में, तो आप हमारे किन्नौर के जो हमारे जनता है, आप अपर किन्नौर में रहते हैं, तो खासकर अपर किन्नौर के लिए क्या कहना चाहेंगे कोविड के दौरान? बहुत बहुत धन्यवाद राम भगत जी, आपने इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हमें किन्नौर या हिमाचल में ही नहीं अपितु हिंदुस्तान के कोने कोने में हमें पहुंचाया है। बहुत अच्छी मुहिम आप लोगों ने इस पेज के माध्यम से चलाया है, जिस माध्यम से हम संगीत प्रेमियों को विशेषकर एक मंच मिल रहा है, लोगों से रूबरू होने का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। क्योंकि
अभी पीछे एक साल से देख रहे हैं, कोरोना का दौर चल रहा है, तो कहीं पर भी ऐसा लाइव ऐसा नहीं हो रहा है, तो आपने वर्चुअली जो प्रोग्राम आपने करवाया है बहुत अच्छा आपने कोशिश किया है। कोरोना के बारे में सबको पता है, हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व, हमारा किन्नौर भी उसमें अछूता नहीं है। मैं इस वक्त पू में हूँ, 10 तारीख को मैं इधर अपने कार्यक्षेत्र पू में आया हूँ, तो उसके बाद कंटेनमेंट जोन में आया है पू यहाँ पर, उसके बाद हमें यहाँ से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। मार्केट जाना होगा तो जरूरी सामान के लिए हमारे हमें मार्केट जाना पड़ रहा है, अदरवाइज हम अपने घर में ही है। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोविड का जो भी दिशा निर्देश जारी सरकार द्वारा किया जा रहा है उसका हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि ये जो कोविड है इसको मजाक नहीं लेना चाहिए हमें। ये कोई मजाक लेने लायक ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, बहुत ही घातक महामारी है। अभी 2-3 दिन पहले मैं एक सोशल मीडिया में मैसेज पढ़ रहा था, हमारे नेताजी सूरज जी ने एक पोस्ट डाला था अपने नमग्या से, अपने राजू नेगी एडवोकेट थे उनसे मैं काफी रूबरू था, तो वो भी नहीं रहे, तो उनका समाचार सुन के मुझे बहुत विश्वास नहीं हुआ। तो इनको देखकर मैं ये संदेश देना चाहता ये योगी हूँ सर जी, कि योगी सर कोविड जी, आज ना ही फैले कोई और जो भी ऐसी दिशा निर्देश। जी योगी सर जी, आज ही मुझे ऐसी मनहूस खबर मिला कि हमारे किन्नौर के कुछ जो है हमारे जो है वरिष्ठ वकील थे आदरणीय नसीब जी, कुछ ऐसा समाचार भी मिला कि वो भी कोरोना से जो है ग्रसित हुए हैं। तो चलिए सब सब कुछ जो है सबके घरों में जो है शांति बना रहे। तो महोदय जी, छोटी सी लाइन आपके लिए मैंने रखा है, आप छोटी सी लाइन है आपके लिए मैंने एक बनाई थी कि प्रकृति प्रेमी संगीत प्रेमी, धन्यवाद सर। प्रकृति प्रेमी संगीत प्रेमी, गीत संगीत और पारंपरिक के योगी, धन्यवाद सर। गीत और पारंपरिक के योगी, कला के दीवाने, माँ सरस्वती के परवाने, आए आए हैं संस्कृति को बचाने, ऐसा नाम ऐसा काम, कहते हैं लोग नमस्ते बैरान, कहते हैं लोग नमस्ते बैरान। कहने का मतलब है कि आपके एक नई एल्बम आई थी नमस्ते एल्बम, तो यहाँ पर हमने नमस्ते बैरान कर दिया। तो आप एक प्रकृति प्रेमी हो, पशु प्रेमी हो और संगीत प्रेमी भी, आपके अंदर में बहुत सारी कला है। लेकिन आज एक दुखद समाचारों के बीच में हम ज्यादा परिचर्चा नहीं करेंगे, तो आप जितना भी हो सकता है यहाँ हमारे किन्नौर के लिए पारंपरिक गीत और जो भी आपका मीडियम गीत चाहे फास्ट हो, जो भी है आप हमारे दर्शकों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी आपने चलो विशेष मेरे ऊपर जो 4 लाइनें आपने लिखा है बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ही प्रकृति या संगीत का प्रेमी या प्रकृति से लगाव मुझे नहीं, मैं समझता हूँ एक जो कलाकार होता है, कलाकार बहुत ही नरम दिल का और लोगों से मिलनसार उसका नेचर होना चाहिए। कलाकार के अंदर एक झुकाव समाज के प्रति, लोगों के प्रति एक मिठास और मधुर वाणी, एक कलाकार के अंदर ये गुण होना चाहिए, मैं ये समझता हूं। बाकी मैं तो इस संगीत से जुड़ा हूं, बचपन से मुझे संगीत का शौक है, खासकर हमारे जो पुराने गाने हैं उनसे। तो मैं प्रोफेशनल एक सिंगर के रूप में इस संगीत को नहीं ले पाता हूँ, लेकिन शौक बहुत है कि मैं संस्कृति के लिए कुछ करूँ, अपने संस्कृति को बचाने के लिए। बस सीख रहा हूँ संगीत को, जब से जाना है इस दुनिया को, जब से समझा है संगीत को, बस संगीत को सीखने की एक होड़ सी दिल में है। तो वैसे तो आप कह ही रहे हैं कि कोविड का दौर चल रहा है, सब जगह कुछ ऐसा मातम सा है, लेकिन चलो मैं एक कलाकार हूं तो गाने के माध्यम से लोग हमें जानते हैं, तो एक पारंपरिक नगमा आपके इस पेश के माध्यम से मैं लोगों के तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे किन्नौर के निर्माता स्वर्गीय ठाकुर सैनी जी का एक नगमा है, मैं उनको याद करते हुए उस नगमे को
इस बीच में रखना चाहता हूं। ठाकुर सेन नीलगी सोमता सोले चालिंगा, ठाकुर से नीलगी सोमता सोले चालिंगा, सोमता सोले चालिंगा का शो हो स्नेलता, सोमता सो चालिंगा का शो हो स्नेलता। ठाकुर सेन नीलगी किनोर्यानु तेलेते, ठाकुर सेन नीलगी किनोर्यानु तेलेते। वैसे तो आप मुझे एक पारंपरिक गायक के रूप में लोगों के बीच में आप मेरी पहचान दे रहे हैं। मुझे पारंपरिक गानों का शौक है, मैं मानता हूं आपने भी हमारी पहचान वैसे दी है, लेकिन हमारा किन्नौर आज, जिनके बदौलत हमारा किन्नौर आज बचा हुआ है, मैंने सोचा उनको क्यों ना आज इस 50वें एपिसोड के माध्यम से क्यों ना उस महान आत्मा, महान पुरुष, आदरणीय स्वर्गीय श्री ठाकुर सेनगी जी को याद किया जाए। इसलिए मैंने उस नगमे से इस प्रोग्राम को मैंने आगाज किया। तो माफी चाहूंगा हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आपने हमारी पहचान एक पारंपरिक गायक के रूप में दिया था, तो मैंने हमारे महान पुरुष स्वर्गीय श्री तेते जी का एक नगमा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया। बहुत बेहतरीन सर, किन्नौर के रचयिता कहेंगे, क्योंकि किन्नौर के वो रचयिता ही कहेंगे, तो उनके लिए ये पेज में गाना जो गाना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, एमसीएन पेज के लिए भी सौभाग्य की बात है, क्योंकि किन्नौर के लिए उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। तो चलिए महोदय जी, मैं यहाँ दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि ये किन्नौरी संध्या एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसमें जो है प्रतिक्रिया करें। लेकिन आज मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि किन्नौर पूरा एक शौकीन जो है गमहीन रास्ते से गुजर रहा है, लेकिन यहाँ डिमांडेड गाने की आज हम फरमाइश पूरी नहीं करेंगे। हमारे अतिथि महोदय जो आएंगे वो पारंपरिक या ट्रेडिशनल टाइप के गाकर जो है आप लोगों से रूबरू जो है अलविदा करेंगे, क्योंकि पूरे किन्नौर में सुनने में आ रहा है कि हमारे जो नए जो जान पहचान के जितने भी लोग हैं वो हमारे से बिछुड़ते जा रहे, तो उनके लिए भी एक 50वां एपिसोड एक श्रद्धांजलि की तरह होगा, क्योंकि यहाँ हम पर हम कोशिश करेंगे कि आज हम आप लोगों को डिमांडेड गाना ना सुनाएंगे। तो महोदय जी, तो आप अपना जो आगे की प्रस्तुति रखें। ओके सर, एक संगीतकार के नाते, एक कलाकार के नाते हमें किन्नौर के बहुत सारे गांव में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे तो एक, मैं एम्प्लॉय हूं, उस नजरिए से लोग काफी कम जानते हैं मुझे, जितने भी लोग जानते हैं शायद एक कलाकार के रूप में जानते हैं। चौरा से लेके सुमरा तक हमारा किन्नौर सुंदर, खूबसूरत और एक सम्मान है। हम किसी भी गांव या किसी भी क्षेत्र का हम तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक गांव, कुछ एक लोग हमें इस दौर में, इस संगीत के सफर में ऐसे लोग मिले जिनकी हम कामना नहीं कर सकते हैं। कानम जैसा सभ्य गांव, रिस्पा रिब्बा जैसे धनी और ईमानदार लोग, उनके गांव में मुझे जाने का मौका मिला। कानम में मुझे कई बार लोसर में जाने का विशेष अवसर मिला है। धाबला जी की विशेष कृपा मैं मानता हूं हमारे ऊपर है। मैं किसी क्षेत्र का मैं तुलना नहीं करना चाहता हूं, भाई उस क्षेत्र में लोग ऐसे हैं या खराब हैं, लेकिन कानम में जो प्यार मुझे मिला है, थोड़ी देर पहले मेरे गुरु सावन जी ने कहा था, क्योंकि मैं अपने जिंदगी में इस संगीत के दौर में जो स्टेज पे मुझे गाने का मौका मुझे दिया, लाइव में गाने का मौका दिया, तो सावन जी ने मुझे मौका दिया था। तो मुझे कानम गांव में सबसे ज्यादा अभी तक जो मुझे प्यार और स्नेह मिला, कानम और रिस्पा गांव में जो प्यार मिला, उसका मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। उसी सिलसिले में मैं 2019 में मैंने दीपक पासन जी के पास एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था, तोहफा 2019, जिसका शुरुआत मैंने कानम गांव से ही शुरू किया था। तो मैं ज्यादा वार्तालाप ना करता हुआ, वाद संवाद ना करता हुआ, मैं एक छोटा सा नगमा कानम के ऊपर मैं पेश करना चाहूंगा। धोरी
याले धुरी गारी गा बिली मा हो शुवंग पाचु मुलु क्यो हो तो शुवंग पाचु मुलु क्यो धुरी गारी गा बिली मा याले धुरी गारी गा बिली मा हो शुवंग पाचु मुलु क्यो हो तो शुवंग पाचु मुलु क्यो थुशु वंग पाचु मुलु क्यो याले थुशु वंग पाचु मुलु क्यो संचो थंग कानम हो संचो थंग कानम होले संचो थंग काना माले संचो थंग कानम घुमई संज्ञा सुजागा हो घुमई संज्ञा सुजागा। तो ये है कानम का एक खूबसूरत नगमा जो काफी महफिलों में बहुत ही एक डिमांडेड सॉन्ग है, काफी चलता है। तो मैंने अपने संगीत का जो कैरियर है मैंने 2007-08 से शुरू किया था सांगला में। उसके बाद काफी टाइम मैंने छोड़ रखा था, फिर बीच में मैंने पारंपरिक दुनिया में जब मैं आया तो देवी दुर्गे चंडी के माँ के आंगन में दीपक पासन जी जो कि हमारे किन्नौर के आज के मुख्य एक फेमस संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं उनके पास तोहफा बनाया था। तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि संगीत के जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। उसके बाद लोगों ने काफी जानना पहचानना हमें शुरू किया, लोगों का प्यार और स्नेह बहुत मुझे मिलता है। तो गर्व महसूस होता है जब कहीं पर चलते हैं कहीं पर जाते हैं तो लोग बात करते हैं, यार ये तो वही बंदा है जिसने तोहफा बनाया है। कई बार कान के पास लोग कानाफूसी करते हैं, ये तो वही है लड़का है जिसने कानम जिया बोला है। तो इस तरह की कमेंट्स मुझे सुनने को मिलता है तो मुझे अपने आप में एक गर्व महसूस होता है कि लोग हमारे कला के माध्यम से हमें पहचानते हैं। मैं बहुत बड़ा फेमस कलाकार या बहुत बड़ा संगीत का ज्ञानी नहीं हूं, मैं बस संगीत का प्रेमी हूं, बस मैं संगीत को सीख रहा हूं जनाब। जी बहुत बेहतरीन सर, आपने जो संगीत का सफ़र आपने जो है तय किया है और अब जो है आप हमारे किन्नौर के जो है हर जो है बच्चों के हर बुजुर्गों के मुंह में आपके गाने और आपके शब्द जो है निकलते हैं। महोदय जी हम दोबारा आपके पास आएंगे, फिलहाल अन्य अतिथि है उनको भी मैं मंच पर लाता हूँ। जी जी सर, जी सर, ओके सर, ओके, धन्यवाद सर। दिनेश सर जी आपका मंच में स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपने उन्हें मुझे आमंत्रित किया इस 50वें एमसीएन फेसबुक लाइव इवेंट में, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। किन्नौर की जितने भी श्रोता है सबको मेरा नमस्कार। दिनेश सर वैसे तो ये जो हमारा आज का जो जो हमारा एपिसोड है थोड़ा एक गमहीन और का माहौल है, क्योंकि के अंदर में बहुत सारे हमारे प्रतिभाशाली लोग जो है कोरोना से जो है कोरोना के ग्रास बन चुके हैं, लेकिन एपिसोड के द्वारा हम एक उनके लिए एक विनम्र श्रद्धांजलि टाइप का ट्रेडिशनल ही सॉन्ग करेंगे, बाकी किसी प्रकार का हम फास्ट टाइप का नहीं करेंगे। और आज के डेट में हमने सभी दर्शकों से यही निवेदन किया है तो कृपया जो है आप लोग डिमांड ना करें, क्योंकि आज डिमांडेड गाने आप लोगों से हम यहाँ पर सुनाए, हमारे जो अतिथि महोदय डिमांडेड गाने नहीं सुनाएंगे, लेकिन हमारे पारंपरिक हमारे लोकगीत जो है वो सुनाएंगे और विशेषकर कोरोना पर जो कुछ उनका अनुभव होगा तो वो जरूर बताएंगे। जी बिल्कुल जी, स्वागत है जी आपका मंच में। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। जी मैं किन्नौर वासियों से या किन्नौर से बाहर जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करें, अपना और दूसरों का बचाव करें। इसका एक ही कारगर उपाय है कि घर में रहें, हम घर में अपने परिवार के बीच रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। एक सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका सबसे बड़ा कारगर उपाय अभी तक ऐसा समझा जाता है कोरोना को रोकने के लिए। तो पुणे आज जुड़ा हूँ, दुख भी बहुत, जो दुखद समाचार मिला मैं बहुत आहत हुआ। तो गाने का चलो, संगीत तो आदमी का साथी है, संगीत आदमी खुशी में भी सुनता है गम में भी सुनता है, इसलिए इस टाइम थोड़ा सा हमें भी दुख है, बहुत दुख है हमें भी, हमारे इतने दिग्गज जो व्यक्तित्व थे वो हमारे बीच नहीं रहे कोरोना की वजह से, हमें बहुत दुख है।
चलिए, संगीत अब आदमी दुख में भी गाता है और सुख में भी, इसलिए अब दुख की घड़ी है, संगीत की दो लाइनें गुनगुनाएंगे हम। धन्यवाद सर, थैंक यू। जी तो सर, एक एमसीएन आपके एमसीएन ग्रुप के लिए एक फिर से एक मैंने गाना लिखा है सर, इसमें थोड़ा सा स्वागत मैसेज है। भी है कोरोना, इसमें थोड़ा सा लंबा है सर, 8-10 लाइनें हैं, कोई बात किसी नहीं सर, पुरानी धुन में स्वागत लिखा है है सर आपका। मैंने। जी जैसा कि सर एमसीएन महेश्वर केवल नेटवर्क के नाम से आपने चलाया है, तो 2 लाइनें मैं छोलंग महेश्वर जी के लिए उनके नाम से शुरू करूंगा। जय बोलो जयकारा, जय बोलो जयकारा, छोलंग मोन शीरस, बोलो छोलंग मोन शीरस, जय बोलो जयकारा, जय बोलो जयकारा, छोलंग मोन शीरस, बोलो छोलंग मोन शीरा, बेली बेली हो ना, बोलो बेली बेली हो ना, तोरो हेली चुक्षे, बोलो तोरो हेली चुक्षे, तोरो हेली चुक्षे, बोलो तोरो हेली चुक्षे, एमसीएन फेसबुक पे जो, बोलो एमसीएन फेसबुक पे जो, एमसीएन फेसबुक पे जो, बोलो एमसीएन फेसबुक पे जो, निशने जो साइजू एपिसोड, बोलो निशने जो साइजू एपिसोड, फैलो फैता मानी, बोलो फैलो फैता मानी, किनोरिंग कलाकार जुमशीस, बोलो किनोरिंग कलाकार जुमशी, किनोरिंग कलाकार जोमशीस, किनोरिंग कलाकार जोमशीस, राम भगत ने गीरंग, बोलो राम भगत ने गीरंग, राम भगत ने गीरंग, बोलो राम भगत ने गीरंग, गोफो नाशे दो गीथंग लानो, गोफो नाशे दो गीथंग, अंफायुलो बाईसाई, बोलो अंफायुलो बाईसाई, किनानु चेनु राम राम, बोलो किनानु चेनु राम राम, अंफायुलो बाईसाई, अंफायुलो बाईसाई, किनानु चेनु राम राम, बोलो किनानु चेनु राम राम, बहुत सुंदर नोलिंग प्रस्तुति है। तोलिंग बोलशंग, नोलिंग तोलिंग बोलशंग, मी पिरंग सी साचे, बोलो मी पिरंग सी साचे। एक बार फिर ये लाइन गाता हूँ, क्योंकि हम कोरोना के भयंकर दौर से गुजर रहे हैं जी और जी जी मुझे शायद आंखों में आंसू, इस लाइन को दोबारा गाता हूँ मैं। जी नोलिंग तोलिंग बरशंग, बोलो नोलिंग तोलिंग बरशंग, मी पिरंग सी साचे, बोलो मी पिरंग सी साचे, मी पिरंग सी साचे, बोलो मी पिरंग सी साचे, कोरोना वायरस बदा लोशो, कोरोना वायरस बदा, किमचू कुमो नीराई, बोलो किमचू कुमो नीराई, पेरंग जो रंग एकी ताराई, पेरंग जो रंग एकी। प्यारे श्रोताओं, जैसा कि मैं अभी अभी बताया था मैंने, कोरोना से बचने का एक जो कारगर उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग घर में रहें, अपने परिवारों के बीच में रहें, इसका कारगर उपाय यही है कि जितना हम दूर रहें, ग्रुप में ना जाएं, कहीं गैदरिंग ना करें, घर पे रहे, तो ये सबसे कारगर उपाय है। इसलिए ये लास्ट लाइन, किमचू कुमो नीराई, बोलो किमचू कुमो नीराई, पेरंग जो रंग एकी ताराई, पेरंग जो रंग एकी। थैंक यू सर, आपके एमसीएन ग्रुप के लिए लिखा था सर, सिचुएशनल है।
बहुत खूब सर, आपने इसमें बहुत कुछ समाया था हमारे पेज के साथ साथ, आपने कोरोना के धन्यवाद साथ साथ हमारे मेषर जी का भी, जिनके आशीर्वाद जी से जी ये जो फल फूल रहा है। चलिए आशीर्वाद जी बना रहे यूं ही सबका, आप लोगों का। तो महोदय जी, तो आप अपने आगे की प्रस्तुति रख सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलना कम कोशिश करूंगा कि समय का अभाव है। जी, दूरी नारी बीली मायाली ब्रश मोली ल्योले चियाला ने, रश मोली लूले चीने, रश मोली लूले चियाना ने, आली मुल्दुंगा बोली था मुयोली था, मुल्दुंगा बोली था मुयोली था, मुल्दुंगा बोठा मुयोली थंगाली दोशु मालूले गुरु भई, दोशु मालूले गुरु भई, दोशु माल्योले गुरु भाई, आली रल सारू रउआ दिनो, रल सारू रउआ असलानो, या याली दोने सानी साबिली मायाली असरना ओमोने अदसी, असरना ओमोने अलसी, असरना ओमोने अलसी, याली हिम चूला बोली थांगो यो याली थो, हिम चूला बोली थांगो यो याली थो, हिम चूला बोली थांगो यो याली थो, गाली उमा देले बीरांग जो गरासी, उमा देले बीरांग जो गरसी, बहुत खूब उमा दिनेश सर, देले बीरांग जो गरसी, गाली बाताली लंगा शेयाली दो, बाताली लंगा शेयाली दो। जी सर बहुत खूब दिनेश सर, बहुत खूब। आपके लिए मैंने छोटी सी 4 लाइन आपके लिए लिखी है, आपने जब हमारे लिए लिखा है तो हम धन्यवाद आपके सर, लिए धन्यवाद। लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हो जाए सर। महफिल तोहफा के गानों से मैं थोड़ा मशहूर, महफिल जी जी सर तोहफा के गानों से मशहूर, जो सबको देते जी हजूर, जो सबको जी देते सर जी हजूर, शांत स्वभाव मिलनसार, शांत स्वभाव मिलनसार, देते हैं गानों को ढेर सारा प्यार, देते हैं गानों को ढेर सारा प्यार, वो आप हो सर, धन्यवाद सर, दिनेश। धन्यवाद जी, चलिए, धन्यवाद सर, हमारे साथ धन्यवाद। और भी अतिथि जुड़े हैं, पहले उन सबको हम बुलाते हैं। शायद हमारे जो आज के और अतिथि जुड़ने वाले थे जुड़े नहीं, तो चलिए बाकियों को मंच में लेकर आते हैं। ठीक है धन्यवाद। सावन सर जी, पुनः आपको मंच पे बुलाया है, और बेरान सर जी अपना कैमरा ऑन करें, आपको हमारी आवाज आ रही है। तो सावन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही है। थोड़े से जो कंफ्यूज होने के कारण मैं आपके लिए 4 लाइन नहीं सुना पाया था, आपके लिए मैंने 4 लाइन लिखा था। जी सर, जी सुनाओ। बसंत में भी सावन जैसा मिठास, बसंत में भी सावन जैसा मिठास, करवाते हुए गानों में ऐसी एहसास, करवाते हुए गानों में ऐसी एहसास, किन्नौर के माटी में पले ऐसे,
हाँ, किन्नौर की माटी में पले ऐसे जिनके गानों में सावन जैसे फुहार, जिनसे जिनके गानों में सावन जैसे फुहार फुहार सर, तो वो आपके अंदर है सर। और थैंक यू सर, आपका थैंक यू। जैसा नाम वैसा ही आपके शब्दों में, आपके आपके शालीनता, आपके जो है बोली में, आपके जो जो आपकी संस्कृति है, आपके जो बात करने का तरीका सेम वैसी है सर, बिल्कुल सावन की तरह। आप भिगोते जरूर हो लेकिन महसूस नहीं होता कि हम भीग चुके हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, हमारे साथ जुड़े थे हमारे आज के जो अतिथि, हमारे चंद्रलाल जी, शायद जो है तकनीकी दिक्कत से वो लेफ्ट हो गए हैं। चलिए, अगर जुड़ते तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई, हार्दिक, जो उन्होंने भी 50वें एपिसोड में भाग लिया, क्योंकि पहले एपिसोड में वो हमारे साथ जुड़े थे, उनके लिए हार्दिक जो है शुभकामनाएं कि ये इस एपिसोड में आप लोग ने जो ये एमसीएन पेज मेरा अपना नहीं है, पूरे किन्नौर का पेज है, किन्नौर के लिए ही हम काम कर रहे हैं। तो सावन जी, हम आपके पास आते हैं, तो अभी हमने मंच पर हमने पहले आप सबको मंच से थोड़ा लेफ्ट किया था, इसलिए कि हम तरतीब से जो इस एपिसोड को चला पाए। अब हम जो है पहला हमारा राउंड जो है एक जो सांस्कृतिक राउंड है निकल चुका है। अब जो है हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में आपका बहुत सारा गैप रहा सावन सर, तो इसका मुख्य कारण क्या रहा कि आप थोड़ा बिजी शेड्यूल में रहे, या फिर अभी आपका थोड़ा समय है कि और ये हमारे संस्कृति के गानों के लिए कुछ और काम कर रहे हो आप? सर, मैं बीच में कुछ घर की परेशानियों की वजह से भी मैं बीच में चुप रहा। पर जैसे आप कह रहे हैं कि आपका फ्यूचर के लिए क्या है, तो मैं सर ये बताना चाहूँगा, किन्नौर की माटी में मैं पला बड़ा हूँ। आपने भी कहा किन्नौर मेरे दिल में बसता है, मैं किन्नौर वासियों के दिल में बसता हूँ। किन्नौर की संस्कृति के लिए मैं जिंदगी भर काम करूंगा, परंतु एक आध सालों में मुझे थोड़ा सा वक्त लगने वाला है, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर खरीदना हो तो हेलीपैड बनाना पड़ेगा। तो हेलीपैड मेरा तैयार होने वाला है, मैं 2023 तक फिर से दस्तक कर दूंगा किन्नौर की संस्कृति में। जी इसलिए मेरी गुजारिश है आप किन्नौर के सभी कलाकार बंधुओं से कि बस संस्कृति को ना छेड़ें। मैंने आपको जी पहले समझाया कि पारंपरिक गीत क्या होते हैं, पारंपरिक गीतों के साथ छेड़खानी ना करें, उनकी धुनों को ना छेड़ें। और किन्नौर की पहचान हमारे जो फोर फादर्स, हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने जो हमारी पहचान बनाई है, उनको एज इट इज बनाए रखें। बस मेरी आपसे ही दिली गुजारिश है, मैं आप लोगों के बीच में फिर से 2022 या 23 तक आने वाला हूँ, मरते दम तक उसके बाद आपके बीच रहूंगा, किन्नौर की संस्कृति लिए काम करूंगा। बस मेरी यही दिली दिली ख्वाहिश है सर। चलिए महोदय जी, हमारा वैसे तो आजकल कोविड के दौरान से हम लोग बहुत ही जो है गमहीन मामले उससे गुजर रहे हैं बहुत, क्योंकि अब शहर से कोविड जो है गांव में पहुंच चुका है। तो फिर भी हम एपिसोड के द्वारा हम लोगों को यही बताना चाहेंगे कि अपने आप सुरक्षित रहे। तो जी इसी माहौल को बनाते हुए सर, आप एक गमहीन टाइप का कोई ऐसे पारंपरिक गीत सुनाए कि जो दिल को भी अच्छा लगे और जो है मन को भी सुकून मिले। एक फिल्मी गाना गा सकता हूँ सर। जी 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 बिल्कुल सर, सब कुछ यहाँ पर वो है सर। क्योंकि मैंने गीत संगीत का शुभारंभ भी फिल्मी गानों से किया था, सोलन नगरी से किया था। जी किन्नरी गीत संगीत में मैं बाद में आया, परंतु मैं 8th क्लास के बाद फिल्मी गाने ही गाता गया, और फिल्मी गानों की वजह से मैं माया नगरी मुंबई तक पहुंचा हूँ। तो मैं एक फिल्मी गाना गाऊंगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल सिंगर तो अब नहीं रहा हूँ, टच नहीं रहता हूँ। एनीवे, फिल्मी गानों से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, जैसे मैं किन्नौरी गानों को गाता हूँ, जितना किन्नौरी संस्कृति से प्यार है, वैसे मैं फिल्मी गानों को पुराने गाने गाता हूँ। मैं अच्छे जो जी क्लासिकल हर ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हो वही गाता हूँ। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी,
आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा प्रिया आधी है प्यार की भाषा, आधी रहने दो मन की अभिलाषा। प्रिया आधी है प्यार की भाषा, आधी रहने दो मन की अभिलाषा। आधे छल के नयन, आधे ढल के नयन, आधी पलकों में भी है बरसात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बात रात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा तुर बहुत खूब। आधा है सामने साधा, रहा राधा का प्यार भी आधा। सुर आधा है सामने साधा, रहा राधा का प्यार भी आधा। नैन आधे खिले, होठ आधे गीले, रही मन में मिलन की वो बात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। बहुत खूब सर, बहुत बेहतरीन। आपने बहुत बेहतरीन समा बांध के रख दिया। सिग्नल की भी दिक्कत आ रही है, तो थैंक यू सर। बहुत आपने यहाँ पर बेहतरीन गानों के द्वारा जो है यहाँ पर कोविड के दौरान लोगों को एक भुलाने की जो है एक आपने प्रस्तुति दी कि आधा है चंद्रमा रात आधी। बिल्कुल है। तो आपकी प्रस्तुति, आपके जो जो माता सरस्वती की जो आपके ऊपर कंठ में जो बैठी है, यूं ही आपकी जो है बनी रहे, और आप माता सरस्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर यूं ही बनी रहे। चले, तो हमारे साथ दिनेश जी बैठे हैं और योगी जी बार बार जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ चंदनलाल जी थे जुड़े हुए। शायद सिग्नल की दिक्कत आई होगी। चलिए, हमको दोबारा उनको फिर कभी बुलाएंगे। दिनेश बिष्ट सर, आपका पुनः फिर से जी मंच में सर, स्वागत है। आप अपने जी सर, विचार जी और सर, अपने गीत संगीत को पुनः रख सकते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी कोरोना इस महामारी के दौर में जो हमारी बहनें हैं, रात दिन अपनी सेवाओं के माध्यम से जो लगी हैं, जनता की जो सेवा कर रही हैं, उनके लिए, एक उन बहनों के लिए, चाहे वो हेल्थ से संबंध रखती है, हेल्थ विभाग से, चाहे पुलिस विभाग में हो, चाहे अन्य विभागों में कार्यरत, मैं उनके लिए एक फिल्मी गाना है उनको डेडिकेट कर रहा हूँ। हे, हो,
फूलों का तारों का सबका कहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से मेरी जीवन के सपने हैं चूर। हाँ, जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आंखों में नींद ना, मन में चैना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, तू ना भूली मैं कैसे, मैं ना भूला तू कैसे, मुझको गई भूल। हाँ, देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे, मुझको गई भूल। आ मेरे पास आ, कह जो कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों जी का सबका प्यारी जगह, वो कहना है। हे हमारी भी दिल्ली से बात होती है, बिल्कुल दिल वाली बात होती है। उनका प्रोग्राम ऐसा है, वो अच्छा सुन। थैंक यू सर। बहुत खूब महोदय जी। जाते जाते अब हम अंतिम पड़ाव की ओर है, ज्यादा हम 1 घंटे से ज्यादा इस एपिसोड को आज नहीं कर पाएंगे। तो जाते जाते आज एमसीएन के जो दर्शक थे, बहुत सारे हमारे यहाँ जुड़े थे, बहुत सारी प्रतिक्रिया आई, सबकी हम कमेंट आपके सामने रख नहीं पाएंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर, आप हमारे यहाँ जो जुड़े थे? धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं उनका आभारी रहूंगा जीवन भर। हमेशा जो भी प्रयास हमने किया उनको सराहा है, भरपूर प्यार मिला है उनकी ओर से। बाकी सर, जो महामारी फैली है, कोरोना की इस जो एपिडेमिक जो डिजीज फैला है, इस दुखद घड़ी में हमारे किन्नौर की, जैसे कि हमने हमें सूचना मिली है, तो दुख दुख बहुत ज्यादा है हमें। तो घर पे रहें, अपना ख्याल रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। सबसे जरूरी है, जान है तो जहान है, अपनी दूसरों की और अपनी रक्षा करें, अपने घर पे रहें। जो भी समय समय पर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, उनका पालन करें, उनकी अवहेलना ना करें, यही कहना चाहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपने बहुत बेहतरीन जो बहनों के लिए गाना गाया था, वो मैं सच में हकीकत है। इस कोरोना काल में जितने भी हम नर्स बहने हैं और जो आशा वर्कर है और जो पुलिस में जितनी बहनें काम कर रहे हैं, होमगार्ड में जितने भी बहनें हमारे जो फ्रंट्स वॉरियर में काम कर रहे हैं, उनके लिए जो है शत शत नमन एमसीएन पेज के द्वारा, जो हमारे दिनेश सर ने यहाँ पर गाना गाया,
तो चलिए सावन सर, हम बहुत सारी प्रतिक्रिया, बहुत सारे कमेंट आए थे आपके लिए, शुभचिंतक लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे आपके गानों को सराहा, आपके बातों को सराहा, सबके कमेंट पढ़ाना तो मुझे असंभव है क्योंकि यहाँ पर 285 से ऊपर कमेंट चले गए हैं, फिर भी उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि आप लोगों की वजह से ही हम यहाँ पर हैं, आप लोगों के प्यार की वजह से हम कहीं से कहीं आज पहुंचे हैं, हमें नाम मिला है, और आप लोगों का प्यार ऐसे जिंदगी भर मिलता रहे, हम आपसे गुजारिश करेंगे आप खुशहाल रहें कोरोना काल में, कोविड-19 के इस बीमारी में अपने को सुरक्षित रखें, आप सुरक्षित अच्छे से रहें, बस आपकी जिंदगी खुशहाल बने रहे और आपके परिवार सभी आप लोग खुश में रहे, बस मेरी आप लोगों से विनती है कि खुदा आपको अच्छे से। जी धन्यवाद सर। तो हमारे एमसीएन पेज के दर्शकों के लिए कहा, आपने एमसीएन पेज की जो टीम है उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एमसीएम टीम एपिसोड पेज की, हाँ 50वें एपिसोड, रामबगे जी आप तारीफ काबिल, आपने ये एमसीएम पेज खोला है, मैं आपके इस चैनल को दा देना चाहूंगा और आपको भी, आप थ्रू डे नाइट आप इस चैनल में काम करते हैं, कलाकार बंधुओं के बंधुओं को एक इकट्ठा मंच में इकट्ठा करके आप पूरे किन्नौर वासियों को रूबरू कराते हैं हमारे कलाकारों के साथ, हमारी संस्कृति के लिए आपने बहुत बेहतरीन काम किया है, कदम उठाया है, और कीप इट अप, आप हमेशा ये इस चैनल को ऐसे चलाते रहें और रात दुगनी दिन उन्नति करें, आपका ये चैनल बहुत ही उन्नति करे, दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, आपका चैनल बहुत चले, बहुत धन्यवाद विश जी, दिनेश सर, आप लोग का प्यार, आप लोग का आशीर्वाद हमारे एमसीएन पेज के लिए बना रहे, और हम जो हम कोशिश करेंगे हमारे किन्नौरी गीत संगीत, हमारे कलाकारों के जो वाणी को हम आपके समक्ष, हमारे किन्नौर के समक्ष रखें। तो कईयों को ये भी पता नहीं होता है कि दिनेश जी कौन है, कईयों को ये भी पता नहीं कि सावन जी का नाम सुना, सावन को देखा नहीं है लेकिन आज पूरा किन्नौर देख रहा है। तो चलिए फिर दोबारा हम अन्य एपिसोड लाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, संगीत से थोड़ा सा, थैंक यू सर, थैंक यू राम जी, थैंक यू, आज के अतिथि हमारे थे आदरणीय सावन नेगी जी, जिन्हें हिमालयन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, और आदरणीय हमारे दिनेश बिष्ट जी, और हमारे साथ जुड़े थे आदरणीय योगी मेहरान जी, और साथ में थे हमारे साथ जुड़े हुए चंद्रलाल नेगी जी, लेकिन तकनीकी दिक्कत से वो जो है ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाए, और साथ में जुड़ने वाले थे हमारे केदार नेगी जी, शायद तकनीकी दिक्कत आई होगी। तो चलिए हम अगले एपिसोड में हम उनको जरूर लेकर आएंगे, जाते जाते हम संक्षिप्त जो है आज का एपिसोड आपको पुनः हम शुरुआत से हम आपको लेके जाएंगे। शोना शोना बी माया मन चूरू दिल जो ना दिल पाया, मन चूरू दिल जो ना दिल याली जिंदगी तू याली जिंदगी।
आली इश जर तू चली जिंदगी इश जर तू चली है जिंदगी याली दिश जर तू चली जिंदगी याली जिंदगी तू मोलीदा मा बलिदा जिंदगी तू मोलीदा है मा बलिदा याली जिंदगी तू मोलीदा मा बलिदा याली बिन्नांगो मोलीदा मा बलिदा बिन्नांगो मोलीदा है मा बलिदा
और आपने एक बहुत बेहतरीन अंदाज से सर, एक कलाकार का जो अंदाज है, आपने जो है सर जो आपका गमहीन गाने हैं उसको आपने वैसा गाया, जो खुशी का माहौल वाले गाना उसको ऐसा गाया, जो बिंदास जीने वाले गाने उसको आपने उस प्रकार से गाया, हर हर अंदाज आपने यहाँ पर लोगों को दिखाया, आपका एक्टिंग और जो आपका गाने का दोनों आपका तालमेल मिला। बहुत बहुत आभार एमसीएन पेज की ओर से। हम भी आपको बीच में हम आपको बुलाते रहेंगे। जाते जाते सर आप वो गाना जरूर सुना है जो आपने एमसीएन के लिए बनाया था, अभी काफी लोग बाद में जुड़े। सुन तो ताली माई के याली तोरो लाइव दोलोशे, सुन तो ताली माई के याली तोरो लाइव दोशे, सुनते नीग बस क्या गाली तोरो लाइव दोलोशे, सुनते नीग बस क्या गाली तोरो लाइव दोशे, तोरो लाइव दोलोशे याली एमसीएन फेसबुक पे ले जो, तोरो लाइव दोलोशे याली एमसीएन फेसबुक पे जो, MCN Facebook पे ले जो याली कैमरो उमसी तोलोशीस, MCN Facebook पे ले जो याली कैमरो उमसी तोशीस, कैमरो उमसी तोलोशीस साली ई चु गफना बाली तंग, कैमरो उमसी तोलुशी साली ई चु गफोना बाली तंग, ई चु गफोना बाली तंग याली न्या राबगत ने गिरंग, ई चु गफोना बाली तंग याली राबगत ने गिरंग। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बहुत सर आभार, बहुत खूब, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से आपने जो है एमसीएन के लिए आपने डेडिकेट किया, हम आभार रहेंगे। हमारा एक प्यास ये छोटी सी हमारी प्रस्तुति थी 50वें एपिसोड में, हम उतना बेहतरीन नहीं कर पाए जितना हमने सोचा था, क्योंकि पूरे किन्नौर में जैसे कि कल एसपी साहब ने कहा था कि लगभग 44-43 पंचायतों में हमारा जो है कोरोना ने कहर जो है ढाया है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इसे हंसी मजाक में ना लें। 2020 का जो कोरोना था वो हम लोग को संभाल लेता था, वो हमारे ऊपर दया करता था, लेकिन 2021 का जो कोरोना है ये दया नहीं करेगा, बल्कि आपको जो है भीख मांगने पर एक दयावान टाइप का बनाएगा कि मुझे जीवन दे दो, इस प्रकार का वो आपके लिए बना लेगा। चलिए, तो हमारा प्रयास रहेगा 7 बजे डेली जुड़िए, हम डेली 7 बजे आपके लिए एपिसोड रखते हैं। सोमवार को हम काव्य संध्या रखते हैं और मंगलवार को हमारा एपिसोड होता है स्वास्थ्य संबंधी, बागवानी संबंधी, कृषि संबंधी और अन्य हम अन्य और भी हम जो है मंगलवार के एपिसोड में रखते हैं। बुधवार को हमारा काव्य संध्या होता है और वीरवार को हम गांव, शहर और राजनीति में हम कुछ भी मुद्दा लेकर आते हैं। गांव के आपके कोई भी समस्या हो, पानी बिजली किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हम वीरवार के एपिसोड में लेकर आते हैं। और शुक्रवार को फिर हमारा काव्य संध्या है और शनिवार को हमारा एक किन्नौरी संध्या होता है जिसमें हम एक अतिथि लेकर आते हैं जो हमारे किन्नौर से या बाहर से भी हो सकते हैं और जिनका एक समाज में अलग से योगदान रहता है। और संडे को हमारा किन्नौरी संध्या, हम महीने के अंतिम शुक्रवार को रूबरू एपिसोड रखते हैं और रूबरू एपिसोड में हम किसी विशेष अतिथि को लेकर आते हैं। तो हमारा जो इस महीने के अंतिम जो रूबरू एपिसोड होगा हम अपने किन्नौर के जननायक विधायक आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी को लेकर आ रहे, तो जरूर जो है रूबरू एपिसोड को बिना देखना भूलिए। तो मेरी सबसे ये निवेदन करता हूँ कि जो एमसीएन पेज में अगर आप लोगों ने जुड़ना है, आप लोगों ने कोई भी बात रखना है और लाइव आकर आपने कुछ भी हमारे समाज के लिए और हमारे
किन्नौर के लिए कोई भी आपने बात रखना हो तो जरूर हमारे से संपर्क कीजिए। चलिए अब मिलते हैं हम मंगलवार के एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किन्नौर।